आधी रात मोदी शाह की हुई बड़ी बैठक, बंद कमरे में 2 घंटे में बना कड़ा प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात में बड़े फैसले ले लिए गए हैं। सारा ड्राफ्ट तैयार हो गया है। यूपी में योगी मौर्य की खींचतान और 15 पन्नों की रिपोर्ट की सियासत हो या फिर बीजेपी का फ्यूचर प्लान, सब कुछ तय हो गया है। शाह मोदी की जोड़ी अब किसी को पार्टी में सेंध नहीं लगाने देगी। 2 घंटे की ये बैठक भारतीय जनता पार्टी की किस्मत लिखेगी। जी हाँ, अब सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और उप मुख्यमंत्री बुलाए गए हैं। अब बदलाव होगा। आइए आपको सब कुछ बता देते हैं, सिलसिलेवार तौर पर हर चीज आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है HCN न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ रंजना उपाध्याय। पंचायत सीरीज का एक डायलॉग है जिसमें बनराकस नाम के कैरेक्टर ने कहा है, कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, करते रहिए मीटिंग मीटिंग, अलुआ मीटिंग खूब वायरल हुआ। लेकिन इन दिनों मीटिंग मीटिंग का खेला बीजेपी में खूब चल रहा है। जी हाँ, बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित उनके आधिकारिक आवास पर पहुंच गए। एक तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, इधर दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से 1 घंटे मिलते हैं। यही नहीं, इसके बाद जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ भी बैठक की। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 उपचुनाव को लेकर मीटिंग बुला लिया। बाद में यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंच गए। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात कर यूपी में लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजहों की जानकारी दी। उन्होंने यूपी सरकार के 2 विभागों गृह और सूचना का विशेष तौर पर ध्यान देने की बात कर दी। 15 पन्नों में रिपोर्ट्स भी सौंपे। यही नहीं, इसके महज कुछ घंटे के बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अचानक मिलने पहुंच गए। मीटिंग के सिलसिले में गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद भूपेंद्र चौधरी को अपने आवास पर मिलने के लिए बुलाया। लेकिन आपको बता दें कि शाह और मोदी की मीटिंग सबसे बड़ी हाईलाइट रही। मीडिया सूत्र के अनुसार दोनों ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में होने वाले बड़े बदलाव पर चर्चा की। यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई के अंत में सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई है जो बीजेपी शासित राज्यों से है। इस बीच कई राज्यों के राजनीतिक हालात में बदलाव देखने को मिलेंगे जिस पर शाह और मोदी ने चर्चा की। इसके अलावा यूपी के सियासत में चल रही खींचतान को कैसे समेटा जाए उस पर विशेष बातचीत की गई। बहरहाल पीएम आवास पर आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चली। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं। फिलहाल बीजेपी के हलचल के बीच गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के तेवर काफी तेज नजर आ रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि पार्टी में और सरकारों के फैसलों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस मुलाकात से बीजेपी का रंग रूप बदलने जा रहा है, क्या कुछ नया होगा? आपको क्या लगता है राय कॉमेंट में जरूर दें। फिलहाल देखते रहे HCN न्यूज। धन्यवाद।